दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं का एक पद होता है और जो स्वर्ग लोक की गति को प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र पद प्राप्त हो जाता है और फिर उसे ही देवताओं का राजा इंद्र देव कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और सबकी अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है और ना ही इनके एक भी मंदिर बनवाए गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक श्राप की वजह से हुआ है, लेकिन अब सच्चाई क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस कथा के बाद से ही इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती थी। कथा के अनुसार इंद्रपाल स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन जब इंद्र धरती पर विचरण करने के लिए आए तो उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी जहां गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को उन्होंने देखा। देवी अहिल्या इतनी ज्यादा सुंदर और रूपवती थीं कि देखते ही इंद्र इन पर मोहित हो गए। उस समय गौतम ऋषि अपने तपस्या के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और इस मौके का फायदा उठाते हुए इंद्र ऋषि का रूप धारण करके देवी अहिल्या के पास पहुंचे। हालांकि अहिल्या को थोड़ा संकोच हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी गौतम ऋषि कैसे आ सकते हैं, लेकिन बिना किसी प्रश्न के देवी अहिल्या ऋषि गौतम की सेवा में लग जाती हैं, जिसके बाद असली वाले ऋषि गौतम अपनी तपस्या करके कुटिया की तरफ लौट रहे थे। कुटिया पहुंचते ही उन्होंने देवी अहिल्या को किसी रूप धारण करे बहुरूपिये के साथ देखा। हालांकि गौतम देखते ही पहचान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र देव हैं। गौतम ऋषि क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को जीवन भर पत्थर की शील बने रहने का श्राप देते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं कि तुमने सिर्फ एक पत्नी की योनि पाने के लिए ये सब कुछ किया और इसलिए अब तुम्हें 1000 योनियों का श्राप देता हूं। और इसके बाद ही इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां निकल आईं। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा भी मांगी। हालांकि उन्होंने इंद्रदेव को माफ नहीं किया बल्कि उन 1000 योनियों को आंख में बदल दिया। वहीं अगर आप दूसरी कथा की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि शुरुआती समय में लोग इंद्रदेव की पूजा इंद्रोत्सव नाम से मनाया करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से लोगों ने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा करने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से निवेदन किया कि ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर है और ना ही ईश्वर के समान, बल्कि आप लोगों को गाय और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो जिससे सभी ब्रजवासी पूरी तरह से डूब जाएं और इस हालत की कगार पर आकर खड़े हो जाएं कि मुझसे माफी मांगना पड़े। इंद्र के आदेश पर सभी बादल अपना रूप बदलकर तेजी से बरसने लगते हैं और इससे ब्रजवासी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे आने को कहा। इस तरह से ब्रजवासी इस भारी वर्षा से बच गए और इंद्रदेव का अभिमान पूरी तरह से चूर चूर हो गया और इसके बाद से ही लोगों ने इंद्रोत्सव मनाना छोड़ दिया और इसकी जगह लोगों ने गोवर्धन पर्व मनाना शुरू किया। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मंदिर उन्हीं के नाम उन्हीं की मूर्ति स्थापित करके मनाया जाता है, लेकिन इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है और ना ही इनका मंदिर बनाया जाता है और इसी वजह से इंद्रदेव का कोई भी मंदिर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इंद्रदेव से जुड़ी इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले आपके फोन पर मिल सके।